हाय गाइस, मैं हूं सुबोध और मैं आ गया हूं बीच कैंडी के महालक्ष्मी मंदिर। ये रहा पीछे ऊपर में वो, इसका इतिहास बहुत पुराना है। 1785 ईस्वी में बना था ये, एक अंग्रेज ने बनाया था, हॉर्न बाय बेल लॉर्ड। आइए देखते हैं, ये रहा जाने का रास्ता इधर से। रास्ता अंदर जाने का, ये मंदिर तब बना था जब वर्ली को बीच कैंडी से जोड़ा जा रहा था, अंग्रेज का टाइम था और यह सक्सेस नहीं हो पा रहा था। अंदर पे सूट नहीं करने दिया दोस्तों, अंदर में आया दर्शन करके। वहाँ पे महालक्ष्मी माता का, माँ सरस्वती, माँ काली का मूर्ति है। आया मैं अंदर से, कैमरा मना कर दिया था उन लोगों ने, मैं अंदर सीढ़ी पे चढ़ रहा था वहीं पे मना कर दिया था। इसका इतिहास ये रहा है कि अंदर पे सूट नहीं करने दिया दोस्तों महालक्ष्मी मंदिर के अंदर, रोकने लगे वहाँ के गार्ड वार्ड सब। सूट कर बोला कैमरा मना है अंदर पे। मैं सीढ़ी पे चढ़ रहा था उसी समय बंद करवा दिया था। इसका इतिहास बहुत ही अच्छा है, अंग्रेज का टाइम था तो रास्ते बन रहे थे, तो समुद्र के वजह से रास्ते बन नहीं पा रहे थे, बार बार वो पानी आ जा रहा था। तो अंग्रेज लोग का भी टाइम था ना, तो अंग्रेज परेशान हो गए। उस समय एक ठेकेदार जो बोल, उसका नाम था राम जी शिवाजी, उसके सपने में माँ लक्ष्मी आई और बोली हमारी प्रतिमाएं माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की समुद्र में है, उसको निकालो और स्थापित करो मंदिर। ये रहा गेट, तो मंदिर स्थापित हुई तो ये काम पूरा हुआ, फिर ये रास्ता बन गया, ये जो रास्ता देख रहे हैं आप। ये सीधा वर्ली को जाती है, मैं अभी बीच कैंडी में हूँ और ठीक मेरे बाजू में महालक्ष्मी मंदिर है और वहाँ तीन प्रतिमाएं हैं, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली का। और ठीक इसके बाजू में बाबा भोलेनाथ का भी मंदिर है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा दोस्तों कि मैं अंदर पे शूट नहीं कर पाया आप लोगों के लिए, लेकिन आप अगर मुंबई आते हैं तो आप ब्रिज कैंडी आ करके यहाँ दर्शन कर सकते हैं माता का। ये काफ़ी पुराना, 1785 ईस्वी के करीब में ये बना था ये मंदिर।